दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, जो कृष्णा नदी के किनारे पर बसा आंध्र की धरती का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर आंध्र प्रदेश की नई प्रस्तावित राजधानी अमरावती के समीप स्थित है और यह NTR जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। इस शहर को द सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत के पांचों पांडवों में से एक धनुर्धारी अर्जुन ने इस शहर में मौजूद इंदिरा किलाद्री पहाड़ी की चोटी पर तपस्या की थी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसे जीत का शहर भी कहा जाता है। यह शहर पहले बैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था और इस शहर के बारे में यह भी मान्यता है कि हिंदू गोडेस देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध कर यहाँ के इंदिरा किलाद्री पहाड़ी पर विश्राम किया था और बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे विजय की भूमि यानी विजय वाटिका भी कहा जाता है। लेकिन वाटिका को तेलुगु भाषी लोग वड़ा कहते हैं, यही कारण है कि इसे विजयवाड़ा शहर के नाम से जाना जाता है। विजयवाड़ा का शहरी क्षेत्र कुल 61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और यहाँ पर लगभग 17 लाख से भी अधिक लोग हंसी खुशी निवास करते हैं, जो पॉपुलेशन वाइज इसे आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का 28वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। विजयवाड़ा शहर को आंध्र प्रदेश की कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यह शहर देश के तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में इस शहर की GDP लगभग $3 बिलियन की थी, जो 2025 में $17 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा भी इसके शहरी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटलिटी और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स आते हैं और यहाँ पर BPCL, HPCL और IOC जैसी सभी प्रमुख कंपनियों के पेट्रोलियम उत्पाद का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का हब भी है। इस शहर में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा बाजार लगता है और यहाँ का नूना मैंगो मार्केट एशिया के सबसे बड़े आम बाजारों की लिस्ट में भी शुमार है। इस शहर का लिटरेसी रेट लगभग 82.59% है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु भाषा है। यह एक साउथ इंडियन सिटी होने के कारण यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले कम लोग ही नजर आएंगे। सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 997 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं के आंकड़ों से कई अधिक है। विजयवाड़ा शहर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर 31,200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। यह एक हिंदू बहुल आबादी वाला भी क्षेत्र है, जिसमें 85.16% हिंदू, 9.12% मुसलमान, 3.64% क्रिश्चियन और 2.08% जैन, सिख और अघोषित जाति के लोग हंसी खुशी रहते हैं। यह तो बात हो गई यहाँ के लोगों और यहाँ के भाषा के बारे में, लेकिन विजयवाड़ा शहर जितना आधुनिक है इसका इतिहास उतना ही समृद्ध है। इसका एक उदाहरण है विजयवाड़ा शहर के इंदिरा किलाद्री माउंटेन पर बना कनक दुर्गा देवी मंदिर, जो अत्यंत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर से रिलेटेड यह मान्यता है कि यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर स्थापित कनक दुर्गा माता की प्रतिमा स्वयंभू है। तो आइए अब जानते हैं विजयवाड़ा शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस शहर के अधिकतर लोग बस, ऑटो रिक्शा और मोटर गाड़ियों से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस शहर में मौजूद पंडित नेहरू बस स्टेशन आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का प्रशासनिक मुख्यालय है और इसे देश के चौथे सबसे बड़े और व्यस्त टर्मिनल के रूप में स्थान दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में इस शहर में NH-16 और NH-65 के सड़क इसे अन्य राज्यों और प्रमुख शहरों के साथ एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं। रेल परिवहन में विजयवाड़ा जंक्शन भारत के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा भी यहाँ पर रामवरापाडु, कोंडापल्ली और रायनुपुडु प्रमुख जंक्शन है। साथ ही में एक सर्कुलर ट्रेन कनेक्टिविटी विजयवाड़ा शहर को इसके पड़ोसी शहर एलुरु, गुंटूर, तेनाली, मंगलगिरी और राज्य की राजधानी अमरावती से जोड़ता है। वायु परिवहन में यहाँ के गनवरम में स्थित विजयवाड़ा हवाई अड्डा देश के प्रमुख महानगरीय शहरों को हवाई संपर्क प्रदान करता है और 3 मई 2017 को इस एयरपोर्ट को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड किया गया था और वर्तमान में यहाँ पर एयर इंडिया, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां विजयवाड़ा हवाई अड्डे में काम कर रही है। विजयवाड़ा शहर इतना घनी आबादी वाला शहर होने के बाद भी इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसकी पहचान देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे और स्वच्छ शहर के रूप में की गई है और इसे कचरा मुक्त शहर होने के लिए 5-स्टार रेटिंग भी दी गई है। तो फिलहाल विजयवाड़ा शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।